बिहार के छात्र और छात्राओं को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का ऐसे ले लाभ, सभी जाति के विद्यार्थियों को मिलेगा इस योजना का फायदा। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। बिहार सरकार के द्वारा छात्र और छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना की बिहार सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बालक और बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। सरकार इन्हें 10,000 तक की धनराशि देती है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र और छात्राओं को धनराशि दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र और छात्राओं को द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर छात्रों को 8,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। प्रदेश के सभी जिलों के छात्र और छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है। सभी जाति के बालक और बालिकाओं को इस योजना से फायदा मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। वहीं अगर आवेदक के परिवार की आय इसमें अधिक है तो आप इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं। विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र और छात्राओं को अपने स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। घर बैठे ही इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। बिहार बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत सरकार की ओर से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले बालक और बालिकाओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इसका मकसद इन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। ई कल्याण बिहार के आधिकारिक वेबसाइट https://ekalyan.bih.nic.in पर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। कल्याण बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद ही सबसे पहले आपके सामने होम पेज खुल जाएंगे। इसके बाद आपको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन के एक लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज है जरूरी। इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं का रिजल्ट या रजिस्ट्रेशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, पासबुक आदि चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही आवेदन करने के लिए आपको जरूरी बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि आपको बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक के पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उसे कोई अभियुक्त नहीं होना चाहिए, जैसे कि 48 घंटे या फिर उससे अधिक का कारावास नहीं होना चाहिए। आवेदक को 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट या सेकंड डिवीजन पास होना चाहिए। मालूम हो कि बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छात्र और छात्राओं के खाते में सीधे रुपए भेजे जाते हैं, साथ ही उन्हें आगे की पढ़ाई में मदद भी मिलती है। मालूम हो कि कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसे में उन्हें रुपयों की जरूरत होती है। सरकार की ओर से इन बच्चों के लिए कई तरह की कोशिश की जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।